एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे हेलो भेज के बताओ कि यस मैम, यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल, सो दैट वी कैन किक स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। लेट्स प्ले बायोलॉजी। गुड इवनिंग अर्पिता। हाय आस्था। प्रणाम बेटा। ओके, हाय एवरीवन, हाय प्रणति। चलो, आज का सेशन एक अलग सा सेशन है। अलग सा सेशन इन द सेंस वी आर गोइंग टू प्ले बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की गेम का मतलब ये है, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ योर बायोलॉजी। आर यू रेडी? सो गाइस, कॉल योर फ्रेंड्स, अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बुला लो कि लेट्स प्ले बायोलॉजी, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। यस, कुछ कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ, बहुत ही हद मारने वाली, फनी होने वाली, एंड यू हैव टू आंसर मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। रेडी? बता दो पहले, जल्दी जल्दी बच्चों को बुला लो, देखते हैं फिर आज कौन जीतने वाला है। जल्दी जल्दी कॉल योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। यस, लेट्स प्ले बायोलॉजी विद योर चावी मैम। नाउ वी आर रेडी। ठीक है, रेडी एवरीवन? ओके ओके, यस मैम। मैम, प्रारंभ कौन कब होगा? प्रारंभ बहुत जल्दी होने वाला है। यस मैम, एक्साइटेड? चलो पहले बता दो, एक्साइटमेंट का लेवल कितना है आज, सो दैट हम स्टार्ट कर ले आज का सेशन। कितने एक्साइटेड हो आप? 0%, 10%, 100%, 200% या इन्फिनिटी? कितने एक्साइटेड हो? क्योंकि जिस तरह पिछले वाला सेशन आप लोगों की वजह से एक सुपर डुपर वाला सेशन गया था, आज का सेशन भी एक सुपर डुपर इंटरेस्टिंग जाने वाला है। ठीक है, लेट्स क्रैक बायोलॉजी। सो अच्छा, सबसे पहली बात, एक पजल है मेरे पास एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। रेडी? चलो, आई एम अंडर योर फेस, आई एम आउटसाइड योर माइंड, अ बायोलॉजिकल केस, प्रेशर ब्रिंग्स पेन समटाइम, व्हाट एम आई? कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी? एंड यस, यू गाइस कैन गिव आंसर्स। चलो बताओ क्या है ये। आई एम अंडर योर फेस, आपके फेस के नीचे हूं, आउटसाइड योर माइंड, अ बायोलॉजिकल केस, प्रेशर ब्रिंग्स पेन समटाइम, व्हाट आई एम? चलो चलो चलो, जल्दी बताओ यार, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सुपर वाला इंटरेस्टिंग। तो बुला लो अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स, अपने सारे जितने सब्जेक्ट्स के फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो। ओके, जल्दी जल्दी। शिवांगी सेड इट इज ब्रेन। नो शिवांगी, इट इज नॉट ब्रेन। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम आउटसाइड, आई एम अंडर योर फेस, एंडोडर्म, ब्रेन, ब्रेन शायद। नो नो नो, शिवांगी, शिवांगी इज लाफिंग। नो 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 नो, इट्स नॉट आस्था। नो, इट्स नॉट ब्रेन, इट्स नॉट ब्रेन यार, यहाँ पे लिखा तो है आई एम आउटसाइड योर माइंड। हेडेक? यस, इट गिव्स हेडेक। नो 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 नो, यस आई गॉट द आंसर। वैशु सेड मैम इट इज स्कल, सो करेक्ट आंसर वी हैव इज अ स्कल। वेरी गुड, यस द करेक्ट आंसर वी हैव इज अ स्कल। यस, सो एक बार देख लेते हैं क्या था। अंडर द फेस, आउटसाइड द माइंड, बायोलॉजिकल केस, प्रेशर बिंग समटाइम, व्हाट एम आई? वेरी गुड, इट इज अ स्कल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो, इट्स अ स्कल गाइस। अच्छा, चलो 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 चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। वी बोथ कम टूगेदर बट वन कम्स फर्स्ट, व्हाट एम आई? वी बोथ की कम टूगेदर बट वन कम्स फर्स्ट, व्हाट आई एम? चलो चलो चलो, इसका आंसर दो। हम दोनों इकट्ठे आए हैं बट एक थोड़ा सा पहले आया है, एक थोड़ा सा बाद में आया है, मैं कौन हूं? यस ऐश्वर्या, इट इज अ स्कल। पीछे वाले का आंसर स्कल था, अब इसका आंसर बताओ। चलो 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 चलो, जल्दी आंसर बताओ। आंसर गाइस, मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। चलो चलो जल्दी आंसर करो, लेट्स सी। वी बोथ कम टूगेदर, लेग्स, वन कम्स फर्स्ट, व्हाट एम आई? नो, नॉट लेग्स, नॉट लेग्स, इट्स नॉट लेग्स। चलो चलो चलो, एनीबडी? ब्लड, नेल्स, टेस्टिस? नो, आई थिंक ट्विंस। वैशु, वेल डन, द
The correct answer we have is the twins. Yes. ठीक है. Very good, very good, very good. Yes, the correct answer we have is the twins. चलो. I am essential to most flight, but can't fly on my own. What am I? I am essential to most flights, but I can't fly on my own. What am I? Yes, पिछले वाले का आंसर twins था. चलो 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 everybody आंसर दो. हाँ पीछे वाला आंसर तो twins था, आगे बढ़ो यार. Yes, Ankita. चलो चलो चलो. I am essential to most flight, but can't fly on my own. What am I? जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या होने वाला है ये. ऐसी कोई चीज जो उड़ने के लिए बहुत जरूरी है, बट अगर वो अकेला प्रेजेंट हो तो उड़ नहीं सकता. What am I? Yes, I am a plus educator, Sahil. Aeroplane. No, no, Arpita, it's not aeroplane. Adrenaline asta. No. Acha, flight and fight hormone. No, I'm not talking about that. Chalo, chalo, chalo. Lo ji, kite. Biology, bicha. Biology mein aajo thoda sa. I'm essential to most flight. Chalo, that's good. The correct answer we have is the feathers. Yes, feathers, they are important for the flight. Everybody, ठीक है? Excited? चलो, let's proceed further. You can't see me, but I can see you. To be more specific, I see through. What am I? You can't see me, but I can see you. To be more specific, I see through. What am I? Yes, it's a feathers. Not sparrow. It's a feathers, beta. Yes, Shivangi, absolutely right. चलो, चलो, आगे बढ़ो. Yes, Asta, Vaishu, it's a feathers. Chalo. You can't see me, aap mujhe dekh nahi sakte, but main aapko dekh sakti hoon. To be more specific, I see through. What am I? Main kya hoon? Mast hai question. Loved it, everybody loved it. Chalo, jaldi batao. Aap mujhe dekh nahi sakte, but I can see you. To be more specific, I see through. What am I? Let's see. It's many. Zahid said, ma'am, it should be I. Anisha said I, Akash said I, Gunjan said I, Pranati said it's a microscope. Okay. Eyes. It's an X-rays. Oh God, man. These are the X-rays. You can't see me, but I can see you. To be more specific, I see through. What am I? I am X-rays. Yes. ठीक है, तो करेक्ट आंसर वी हैव इज एक्सरेज. चलो, व्हाई मेल हॉर्स इज थिक. क्यों होता है ये मोटू सा? मेल हॉर्स देखा जाए तो एज कंपेयर टू फीमेल हॉर्स बहुत ही मोटू सा होता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई मुझे बताएगा? मेल हॉर्स, सी हॉर्स जो होता है वो बहुत मोटू सा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल सी हॉर्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस, इट्स एन एक्सरेज. है ना, एक्सरेज कराते हैं तो हमारा इंटरनल सब दिख जाता है ना. अब एक बात बताओ, ऐसे ही एक्सरेज को हम देख थोड़ी ना सकते हैं. एक्सरेज हमें देख सकते हैं. चलो चलो चलो. आपको पता है मेल जो सी हॉर्स होता है ना वो ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल. सो दिस इज अ मेल. क्यों इतना मोटा है ये? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, They carry eggs because it want more oxygen. Okay, किसने आंसर दिया है? अंकित कहता है कि मैम वो कैरी करते हैं एग्स को. उसको पता होगा कि वो ज्यादा खाना खाता होगा शायद, है ना. मेल सी और ज्यादा खाना खाता होगा. इज दैट पॉसिबल? चलो, आईज पता नहीं क्या होगा. क्यों बताओ यार, जल्दी आंसर दो यार. बी एक्टिव मैन, बी एक्टिव. जल्दी 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 बताओ ये क्यों इतना मोटा होता है? It is pregnant. Arjeet said, ma'am, it's pregnant. Absolutely right. क्योंकि वो pregnant होता है. आपको पता है जो सी हॉर्स होते हैं ना वो ही बेबी को डिलीवर करते हैं. मेटिंग के बाद जितने भी फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो फीमेल जो मेल होता है वो अपनी बॉडी के अंदर उसको कैरी करता है एंड उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड सप्लाइज द एग्स विद प्रोलैक्टिन, दैट सेम हॉर्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन प्रेगनेंट मैमल्स. आपने कभी सोचा था ये?
ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग हो जाते हैं तो फीमेल जो है उसको अपने पाउच में उसको कैरी करता है, उसको ऑक्सीजन देता है एंड प्रोलैक्टिन का भी लोचा है यहाँ पे, जैसे फीमेल होती है ना मिल्क वाला, सेम फंडा यहाँ पे होता है मेल्स के साथ. सो इजंट इट इंटरेस्टिंग, कभी सुना था आप लोगों ने? अच्छा क्या लिखा, ड्यू टू ब्रॉड एन एब्डोमेन अबाउट द फ्रंटल साइड अटैक. नहीं मैम, मेल में क्या होता है, मेल यार मेल कैरी करता है, मेल डिलीवर करता है बेबी को, क्योंकि वो कैरी कर रहा होता है अपने स्टमक के अंदर, अपने पाउच के अंदर वो कैरी करता है. सो दैट इज अ रीजन, बिकॉज मेल प्रेग्नेंट होता है इसी वजह से वो मोटू होता है. ठीक है चलो अगला 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 अगला. विच मैमल कांट रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर, ऐसा कौन सा मैमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता? विच मैमल कांट रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता. चलो बताओ, है ना, हम होते हैं ना होमियोथर्मी, ये सब चीजें मैमल्स के अंदर इतनी लंबी लंबी कहानियां मैम ने पढ़ा रखी हैं. बट एक ऐसा मैमल है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर वही होगा. अब सोचो, दे नॉट एंडोथर्म. हाय शर्मिला, अब मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी ये क्वेश्चन. गुड गुड गुड, कीप आस्किंग, ऐसे फैलाओ, पूछो ऐसे क्वेश्चन. चलो एक ऐसा मैमल है जिसमें पता क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर अगर कुछ भी हो एक्स हो तो बॉडी का टेम्परेचर भी एक्स होता है. सोचो अगर हमारे साथ ऐसा होता तो बाहर हो रहा है 6 डिग्री, बॉडी के अंदर भी 6 डिग्री नहीं होता ना. बट ऐसे एक मैमल है जिसके अंदर ऐसा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है. देखो चलो, आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर वी हैव इज अ स्लॉथ. यस, स्लॉथ होता है अदर मैमल्स की तरह, ये कभी भी अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते. मिल लो इन भाई साहब से, स्लॉथ जी से. ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन हमने पढ़े हैं, बट छवि मैम बींग अ जूलॉजिस्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के सामने लेकर आती रहेंगी, ताकि आपकी बायोलॉजी स्पेसिफिकली जूलॉजी से आपको हो जाए प्यार. तो बायोलॉजी अलॉन्ग विद द केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस. सो सिमिलरली दिस एक्सेप्शन ओवर हियर इज स्लॉथ. आपको पता है इनका जो बॉडी टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सो दे कैन ओनली लिव इन अ वार्म रेन फॉरेस्ट वेयर द टेम्परेचर वेरीज अ लिटिल इन द कोर्स ऑफ द ईयर्स. स्लॉथ हैव अ वेरी लो मेटाबॉलिक रेट एंड मेंटेन लो इन द वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटिंग इट बाय मूविंग इट एंड आउट ऑफ द शेड्स इन अ ट्रीज. है ना, अच्छा है ना, किस किस को अच्छा लगा ये स्लॉथ? कोई लेके जाना चाहता है इसको, घर लेके जाना चाहता है तो ले जाओ, है ना स्लॉथ. चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर. विच एनिमल हैज 3 हार्ट, है ना. अब आप बोलोगे मेरी मैम 2 गर्लफ्रेंड है, मैंने दोनों गर्लफ्रेंड का दिल ले रखा है तो आपके पास 3 हार्ट हो जाएंगे. नहीं नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही. नेचुरली एक एनिमल है जिसके पास 3 दिल होते हैं, और 3 दिल उसके खुद के होते हैं, उसके 2 गर्लफ्रेंड के दिल नहीं होते. चलो मैम आई लव जूलॉजी. यस चलो चलो चलो, मैमल्स पूछ रहे थे मेरा बच्चा ईशान, वी वर टू आस्किंग मैमल्स. चलो चलो अब बताओ, विच एनिमल हैज 3 हार्ट, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके 3 दिल होते हैं? ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला लोचा नहीं है यहाँ पे, पर 3 दिल होते हैं. पर एक प्यार का केस भी मैं आपको बताने वाली हूँ. क्रोकोडाइल के 3 दिल होते हैं. बेटा मैं चेम्बर्स के बारे में बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द 3 हार्ट. उसके तो चेम्बर्स होते हैं ना, वो चेम्बर्स वाला सीन. अरे यार चेम्बर बदले क्या हो, यहाँ हार्ट लिखा हुआ है. लुक एट दिस, हियर द हार्ट इज रिटन. हार्ट के बारे में बताओ, उसका वो वाला दिल जिसको आप ऐसे करके बनाते हो ना, ऐसे वाला. So I'm talking about that heart. Fish, octopus. मैम बड़े दिल बड़े दिल वाले होते हैं. चलो 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 चलो, no no fish no fish. चलो I'll give you the correct answer. The correct answer we have is a cuttlefish. So correct answer fish तो था, but fish का correct answer बताना था ना, it's a cuttlefish. So देख लो, मिल लो इन cuttlefish से. कोई ले जाना चाहेगा इनको, अपने घर ले जाओ इनको.
इट्स अ कटल फिश. इनके पास तीन दिल होते हैं, सोचो. एक बिल्कुल सेंटर में दिल होता है और दूसरे उनके गिल वाले हार्ट्स होते हैं, जो गिल्स के पास इनके हार्ट्स होते हैं. दो ब्रांकियल हार्ट्स होते हैं, ठीक है, गिल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं. एंड दे हैव अ टू सर्कुलेटरी सिस्टम. एक तो हो गया बड़ा वाला, ठीक है, और एक होता है बिल्कुल छोटा वाला सर्कुलेटरी सिस्टम. सो मीट दिस कटल फिश. ये वो फिश होती है जिनके पास होते हैं तीन हार्ट. तो सोचो अगर इसने किसी का दिल ले लिया तो इसके पास कितने हार्ट हो जाएंगे? सिक्स. ठीक है, कितने हार्ट हो जाएंगे अगर इसने किसी का दिल ले लिया तो? भाई ये कितनी स्टूपिड वाली बातें होती हैं यार, कितनी स्टूपिड वाली बात होती है कि मेरा दिल आपके पास है. यार हाउ इज इट पॉसिबल? आपका दिल किसी और के पास कैसे हो सकता है? अगर दिल किसी और को दे दो तो यार सर्कुलेट क्या करेगा यार? वो तो ब्लड ही सर्कुलेट नहीं करेगा, वो बेचारा तो मर जाएगा. तो ये सारे फद्दू बातें होती हैं, ठीक है. अभी इन फद्दू बातों में पढ़ने का नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने का, ठीक है. मेरे पास एक ही है शर्मिला, दैट इज गुड. मेरी गर्लफ्रेंड कटल फिश है. गुड. गर्लफ्रेंड के पास तीन हार्ट है, चलो बहुत सही. गुड इवनिंग जशन. मैम ये बोर्ड सिलेबस नहीं आ रहे यार, कभी तो मजे कर लिया करो यार, पूरा टाइम पढ़ना होता है क्या बायोलॉजी को? हैं? चलो चलो चलो, ठीक है. गुड इवनिंग. हाँ पागल बना दे. चलो यार कभी तो मजे कर लिया करो. चलो अगला. अच्छा, व्हाट इज द कलर ऑफ द पोलर बियर स्किन? ये पोलर बियर तो मिले होगे ना आप इनसे? नहीं मिले तो जाके एक बार मिल आना और इनकी स्किन का कलर पूछाना. So tell me what is the color of their skin? Skin का color क्या होता है? चलो let's see. जल्दी बताओ everybody. What is the color of the skin? इसके जो polar bear के जो skin होता है उसका color क्या होता है? Anybody? चलो चलो चलो. शिवांगी सेड इट्स व्हाइट 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 लाइट येलो, पोलर बियर होता है. शर्मिला आल्सो सेड व्हाइट. उसके अलावा खुशी आल्सो सेड व्हाइट. अर्पिता सेड व्हाइट. मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग व्हाइट. अच्छा नॉलेज भाई सेड मैम इट इज ब्लैक. वो चीज कलर, चीज का कौन सा कलर होता है? चीज में तो सफेद होता है. कि चीज में फंगस लग जाती है तो हरा वाला चीज बन जाता है. हाँ जाके पूछ के आना कि स्किन का कलर क्या है. तो हमारे नॉलेज भाई ने करेक्ट आंसर दिया, ऐश्वर्या ने भी करेक्ट आंसर दिया. करेक्ट आंसर यू हैव इज ब्लैक. अभी बियर है ये बियर, इनका स्किन का कलर ब्लैक होता है. और जो हेयर्स होते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन की वजह से, ट्रांसपेरेंट हेयर्स आर प्रेजेंट, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये व्हाइट कलर का पोलर बियर हमें दिखता है ना. हिबरनेशन करते हैं ये, सोते रहते हैं, सर्दियां आते ही सो जाते हैं. No, it is black. It is black. Think about it. It is black. ठीक है, बियर है, स्किन कलर होता है ब्लैक. चलो आगे. When does snake close their eyes? एक स्नेक अपनी आंखों को कब बंद करता है? ठीक है, एक ऐसा टाइम होता होगा शायद जब वो अपनी आंखों को बंद करता होगा. मुझे नहीं पता. Look at this snake. आपकी स्क्रीन से बाहर आने को तैयार हो रहा है ये, बिल्कुल रेडी 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 टू कम आउट. जल्दी बताओ, व्हेन डज स्नेक क्लोज देयर आईज? स्नेक अपनी आंखें कब बंद करता है? कभी देखा है आपने स्नेक को आंखें बंद कर रहे हो? मतलब कैसे? हमें तो व्हाइट दिखता है बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. वो व्हाइट कलर का दिखता है. Sayed said, ma'am, it is never. Avinash also said never. Okay, okay. Yes, many students are saying they are never. Yes, snake कभी भी अपनी आंखें नहीं बंद करता क्योंकि इनके पास हमारी तरह eyelids नहीं होते. उनके पास eye scales present होते हैं जो उनकी eyes को cover कर लेते हैं, but आईलेट्स नहीं है. वो अपनी आंखों को कभी बंद नहीं करता. तो आज ही मेरे सारे के सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, आज ही ये गूगल करेंगे कि भी एक जो है डेड स्नेक की फोटो देखना, तब पता लगेगा उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं. ठीक है, डेड स्नेक की भी आंखें खुली होती हैं, सोचो. तब भी हमें डरा रहा होता है वो.
नहीं हर्ष, नो यार, जब वो सोने जाता होगा तब अपनी आंखें बंद करता होगा, वो आंखें खोल के सोता है यार उसको, अगर वो आंखें बंद करके सोएगा तो उसको सपने कैसे दिखेंगे, इसीलिए वो आंखें खोल के सोता है यहाँ पे, ठीक है, नेवर एवर, ठीक है, वो कभी भी, वो सपने देखता है, हमारी हमारी तरह नहीं है वो सपने देखता है, इसलिए उसकी आंखें खुली होती है सोते वक्त भी, तो जस्ट जोकिंग, सीरियसली मत लेना। अच्छा, चलो 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 चलो, मैम आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? आप पेट एनिमल, पेट है, वी हैव अ पेट एनिमल, डॉग है एंड हर नेम इज जोई, ठीक है, चल ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेम एंड एनिमल्स दैट कैन बेंड देयर नीज बैकवर्ड। अब आप बोलोगे भाई साहब ये क्या रोल है, अब देखो हम क्या करते हैं, हमारे ये टांगे हैं, ये हमारा होता है नीज, है ना, नीज को हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ना, पीछे की तरफ फोल्ड कर लेते हैं, है ना, ठीक है, तो ये जो है बैकवर्ड फोल्ड करता है, ठीक है, मतलब अलग तरीके से, अपोजिट देन अस, ये फोल्ड करता है, ठीक है। अब बताओ, एनीबडी एनीबडी एनीबडी, जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे, ऐसा कौन सा है बैकवर्ड की तरफ को फोल्ड करता है, मतलब ऐसे फोल्ड करेगा, लेट्स सी, यस कमला, कमला ने आंसर दिया है कि मैम इट इज फ्लेमिंगो, यस। अब देखो कैसे फोल्ड कर रहा है वो पीछे की तरफ, अब 100% श्योर बच्चों ने अपने नीज अभी देखने कि हमारे कैसे फोल्ड होते हैं, क्योंकि जब मैंने किया था तो मैंने जब पहली बार सुना था ना, तो सबसे पहले मैंने अपने गोड्डे देखे थे, हमारे में नीज को ना गोड्डे कहते हैं, तो मैं उन्होंने कैसे फोल्ड किए थे मैंने पहले देखा, देखो लुक एट दिस एंड टेल मी कि कितने बच्चों ने अपने नीज देखे हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर फोटो, जल्दी बताओ, मैं कर लेता हूँ बैकवर्ड, अरे यार नीज तोड़ने है क्या, तो करेक्ट आंसर वी हैव इज अ फ्लेमिंगो, पक्का वाला, सच्ची सच्ची बता, किस किस ने अपने नीज देखे हैं, किस किस ने अपने नीज देखे हैं अभी, यस फ्लेमिंगो इज द राइट आंसर, यस एवरीबॉडी, किसने देखे, सच्ची बताओ यार, ओके गुड गुड, सबने देखे ना मैम, मैंने, रिहान, संजना, नहीं देखा मैंने अभी किया, प्रणति, आई एम 100% श्योर, मतलब आपकी टीचर ने किया था तो आपने जरूर ही किया होगा यार तो देखो मैच कर रहे हैं क्या आपके और इसके, नहीं ना, चलो अच्छा, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, चलो बताओ, नेम एन एनिमल दैट कैन नॉट फार्ट, ओके दिस इज समथिंग वेरी क्रीपी, नेम एन एनिमल विच कैन नॉट फार्ट, नेचुरल प्रोसीजर गाइस, आई नो यू ऑल मस्ट बी लाफिंग कि मैम ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, नाउ टेल मी नेम एन एनिमल दैट कांट फार्ट, ओके ओके ओके, आई डोंट नो ये किसने पता किया कि ये करते हैं नहीं करते, बट ये दिस वाज देयर, सो आई थॉट कि चलो यार ये पूछे जाएंगे, नेम एन एनिमल दैट कैन नॉट फार्ट, दैट्स गुड, ओके Tell me, there are animals that can't fart. Like it's a natural procedure and everybody does this. Tell me. Octopus, snake. मैंने पढ़ा, आई डोंट नो ये पता किसने किया, ये मुझसे मत पूछ लेना कि मैम ये पता किसने किया, किसने एक्चुअली सारे एनिमल्स का जाके चेक किया, ओ गॉड करेक्ट आंसर भी है इज अ कैंगरूज, यस कैंगरूज डोंट फार्ट, ओके दिस इज सो बैड, दिस वॉज ये तो छवि मैम का सीजे हो गया है ना, जैसे पीजे होता है ना, छवि मैम का छवि जोक्स हो गया, चलो गुड, आई लव्ड इट, अरे यार इट वॉज सो फनी कि जब मैंने आई वॉज रीडिंग दिस तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए थे, करंटली अभी भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, चलो छोड़ो लीव इट, अ राइनोसिरस हॉर्न इज मेड अप ऑफ, एक राइनोसिरस का हॉर्न होता है ना वो किससे बना होता है, चलो टेल मी मैम, इट्स अ फैक्ट, यस इट्स अ फैक्ट, अब थिंक अबाउट दैट पर्सन, थिंक अबाउट दैट साइंटिस्ट जिसने जाके पता किया कि कौन सा एनिमल फार्ट करता है कौन सा नहीं करता, थिंक अबाउट इट, अ राइनोसिरस हॉर्स इज मेड अप ऑफ,
चलो चलो, राइनोसेरस हॉर्न इज मेड अप ऑफ, राइनोसेरस दिख रहा है ना, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, सुना होगा आपने, वैसे और भी राइनोसेरस होते हैं, सो वन हॉर्न राइनोसेरस तो आपको पता ही है ना, हमारे शान है, आन बान शान है. इट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम, इट्स मेड अप ऑफ, कमला सेड मेड अप ऑफ हेयर्स, वेरी गुड, इंटेलिजेंट. Okay, yes, Kamala, the correct answer we have is a hair. It is made up of hair. कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता. चलो, that's, let's proceed further. अच्छा, now this is so interesting. How does male penguin proposes female penguin? ये बताओ, एक male penguin एक female penguin को कैसे propose करता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? जिसने लाइक नहीं किया ना भाई साहब, अभी लाइक कर दो, ठीक है, लाइक इट राइट नाउ. बाय डांसिंग? नो, बाय डांसिंग नहीं, नहीं, कुछ देता है ये, कुछ ये मेल पेंगुइन ना फीमेल पेंगुइन को गिफ्ट करता है, ठीक है, क्या गिफ्ट करता है कोई बताएगा? डांस. ओके, बाय गिविंग हर अ पेबल, एब्सोल्युटली राइट, बाय गिविंग स्टोन्स, ये स्टोन्स लेकर जाता है उनके लिए कि भाई ये लो भाई साहब स्टोन्स लो, एंड उनको प्रपोज करता है और उसको पता है लाइफ टाइम कमिटमेंट भी देता है कि मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ रहूंगा. अच्छा सोचो, आपको आपको कोई प्रपोज करे विथ स्टोन कैसा फील होगा? यस, नॉट बाय डांस, बाय गिविंग स्टोन्स. स्टोन देता है, पत्थर देता है, वो अपने बीक में लेकर जाता है ऐसे उठा के और वो देता है, उसको कमिटमेंट करता है. सोचो कितने अच्छे लोग हैं ये. आगे से वैलेंटाइन डे पे एवरी बॉय ध्यान से सुनना, वैलेंटाइन डे पे डोंट गिव रोजेस, गिव स्टोन्स, ठीक है? मैम, ह्यूमंस को कैसे पता लगता है कि पेंगुइन क्या सोचते हैं? गुड क्वेश्चन. आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है जिसको बिहेवियर कहते हैं. तो एनिमल बिहेवियर भी होता है उस एनिमल बिहेवियर, इन द सेंस इट्स अ सब्जेक्ट ओनली एंड जिसपे लोग पीएचडी तक करते हैं, लाइक दे स्टडी एनिमल बिहेवियर. आपको एक बात बताऊं, जो काऊ होती है ना, काऊ गाय हमारी माता है वाली काऊ, वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं, हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? काओ अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं. तो वो कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाती हैं कि आपने कभी देखना, कभी पूछना किसी से भी, मतलब अपने गांव वगैरह जाओगे तो वो अगर वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज जब कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने के बाद वो प्रेफर करते हैं कि मैं उन्हीं के साथ इधर जाऊं उधर जाऊं इधर जाऊं उधर जाऊं. सो वो बेस्ट फ्रेंड्स वो बनाती हैं गायें अपनी. अच्छा अच्छा, लोगो सुनने दो मेरे को यार, प्रपोज वाली बात है. मैम यस, एवरीबडी इट इज विजिबल, 6 month फीमेल टेक केयर ऑफ द बेबी वाइस वर्सा. वही स्टोन फेंक के मार देंगे. सैयद इस्माइल ने कहा कि मैम वो किसी ने पत्थर दिया ना, उसे पत्थर से मार डालेंगे. पॉसिबल, लड़कों के साथ मैं सब बॉयज के साथ हूँ, कोई बात नहीं, पत्थर खा लेना. चलो अगला, नेम एन एनिमल हुज फिंगरप्रिंट इज सिमिलर टू ह्यूमंस. फिंगरप्रिंट देख लो, तो सोचो एक क्राइम सीन पे वो एनिमल भी था एंड उस क्राइम सीन पे आपको ह्यूमंस भी था, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फिंगर प्रिंट्स कि वो खून उस एनिमल ने नहीं किया? चलो दो, या वो एनिमल जिसके फिंगर प्रिंट दे आर सिमिलर टू ह्यूमंस. हु इज गोइंग टू डू दिस पीएचडी? यस, हैप्पी नवरात्रि एवरीवन. यस वासुदेव, आई कैन सी. मैम चॉकलेट खा लो, पास ऑन कर दो. Happy Navratri. Chimpanzee? No, no, no. It's not chimpanzee. It's not monkey. No, no, no. Kamta, no Kamla. No Vasudev. Not at all. Apes? Bilkul bhi nahi. Jali, 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 jali batao. Nahi yaar, kaha monkey, chimpanzee mein ghoom rahe ho yaar. Bahar aao inse. Aur socho. Aur socho. Apes, monkey, chimpanzee. No yaar. No, no, the correct answer we have is a koala. Yes, dikhlo inse kitna cute animal hai.
और इनके फिंगरप्रिंट्स देखो और हमारे फिंगरप्रिंट्स देखो, मैचिंग कितनी ज्यादा है। अगर किसी ने खून किया और भाई साहब वहां से पहुंच गया है, वहां से घूमता रह जाएगा, तो फिर हमारे साइंटिस्ट ढूंढते रह जाएंगे कि भाई किसने खून किया था। बट ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना कि कोआला छोड़ दो वहां पे, ऐसा कुछ नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब इनके फिंगरप्रिंट्स हमसे काफी हद तक मैच करते हैं। यस, ठीक है, चलो चलो आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलो लास्ट है, लास्ट, दिस इज लास्ट लिस्ट लास्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा, विच आई थॉट की टू शेयर विद यू गाइस। आपको पता है ज़ेब्रा पे जो स्ट्राइप्स होती है ना, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बग रिपेलेंट। आप एक काम करना, मतलब आई डोंट नो वेदर यू गाइस आर गोइंग टू डू दैट और नॉट, आप ना किसी भी काऊ को ऐसा पेंट कर देना, और ये पता है यूनिक होता है, एक ज़ेब्रा का दूसरे ज़ेब्रा से कभी मैच नहीं करता। अच्छा, अगर आप एक काउ को ऐसे पेंट कर दो ना, मजाल है एक भी मच्छर उसके पास आ गया तो, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बग रिपेलेंट। ठीक है, नाउ एवरीबॉडी टेल मी हाउ वाज टुडेस सेशन, इफ इट वाज इंटरेस्टिंग वेयर आर योर लाइक्स, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, अभी भी लाइक करो यार, लेट मी हैव अ लुक कि कितने बच्चे इसको लाइक करने वाले हैं आज। डियर फिंगरप्रिंटिंग, यस, मैं बता दूं सबसे पहले, बताती हूँ। ओके संजना, गोरिल्ला ट्विंस, यूकलिप्टस लीव खाते हैं। अरे भाई, पता है अभी तो डेंजर में आ गए थे जब वो ऑस्ट्रेलियन फायर आया था, है ना, वो तो सबने देखी होगी। ठीक है, सो ये जो ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स होते हैं, दे एक्ट एज अ नेचुरल बग रिपेलेंट। ठीक है, सो होप एवरीबॉडी लव दिस टुडेज सेशन, तो फटाफट से लाइक राइट नाउ, अभी के अभी इस सेशन को लाइक कर दो। अनाओ, आपका सेशन के बारे में अगर मैं क्या ही बातें का आप लोगों को कहूं, यहाँ का एक इंटरेस्टिंग सा सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, एंड दिस इज द शेड्यूल फॉर द क्लास 11th, एंड दिस इज द शेड्यूल फॉर द क्लास 11th। नाउ एवरीबॉडी लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, टुमारो, फ्रॉम टुमारो, कल से आई एम गोइंग टू स्टार्ट इकोलॉजी। यस, इकोलॉजी योर एनवायरमेंट साइंसेस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, I am going to start on the special classes. Special classes, they are free of cost for everybody. And jaldi se jaldi guys, come on this platform and enjoy these classes. ठीक है? करने वाले हो ना सारे के सारे? तो special classes पे start होने वाला है आपका नया chapter ecology. And वैसे तो मैं YouTube Unacademy 11th and 12th channel पे live daily live आती ही हूँ at 1 p.m. Thursday, Friday, Saturday, 3 days I come live and the timings are 1 p.m. Yes, Anush, all the zebras, they are having a different, their stripes, they differ from one another. अगर आप pattern देखोगे ना, सब में अलग अलग होता है। Thank you everybody for so much likes. Share with your friends, अपने friends के साथ अभी के अभी, you are going to share and you are going to help me, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों के साथ पहुंच सके, ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू योर बायोलॉजी, रिलेटेड टू योर जूलॉजी में लेके आते जाओ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, लाइक कर दो मैम का चैनल, थैंक यू गुरमीत। ठीक है, तो गाइज एवरीबडी फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, उसकी जो मेरी जो प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल को लाइक कर दो, एंड उस प्रोफाइल में जब आप जाओगे तो मेरी क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस होती है उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, आप उन क्लासेस में आ सकते हो। एंड कल मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इकोलॉजी ऑन द स्पेशल क्लासेस विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी। अब जिसको अपनी इकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग मक्खन बनानी है, देन कम टू दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आर यू गोइंग टू कम? यस, ठीक है, ओके, सो आई होप यू गाइज हैव जॉइंड टू आवर टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat, ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर देयर एंड ऑब्वियसली आपके एजुकेटर्स भी वहां पे प्रेजेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट मैंडेटरी पार्ट, दैट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, इफ यू विल टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिस तरह आप लोगों को पता है आपका नीट का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो तो भाई
सॉलिड आया यार, 720 आउट ऑफ 720. बट अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, एंड सबसे पहले होने वाले हैं आपके क्या एग्जाम्स, दैट टू ऑन द फेब एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. तो क्यों ना अभी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ जो उनको आप डेली देखते हो ऑन द सन अकेडमी 11th एंड 12th. तो क्यों ना वैसे प्रिपरेशन करें. तो गो फॉर द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद अस, लाइव पोल्स, टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब चीजें आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है. यहाँ पे इट्स अ सब्सक्रिप्शन जहां पे मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर जिनकी प्लस क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा. क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी आपकी अप्रैल से, तो अभी तक काफी सिलेबस पूरा हो चुका होगा, डेफिनेटली है. तो आपके दिमाग में डाउट आता होगा, मैम इतना सिलेबस हम कैसे करेंगे. अरे उसके रिकॉर्डेड सेशन तो है ना. दूसरी बात, यस, अब रिवीजन कोर्स लॉन्च हो चुका है. आज से ही वो रिवीजन कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें बच्चों ने प्रीवियस यानी कि पिछला जितना भी था उसकी प्रिपरेशन अब वो कर रहे हैं हमारे साथ ऑन द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी 11th एंड 12th. ठीक है, सो जल्दी से जल्दी आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी डिले. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम. यू विल यॉन नाउ. Okay, today class is very interesting. Chalo, thank you so much guys, thank you so much. It is your love only. ये आप ही के बच्चों का इतना प्यार है जिसकी वजह से हम ऐसे sessions, interesting sessions आप लोगों के साथ लेकर आते रहते हैं. So hope you guys, you have liked to our session. And subscription के लिए guys, an academy learning app अभी के अभी अपने Android phones के अंदर download करो. Download करने के बाद install करो without any delay. अगर आपको चाहिए आपके 11th and 12th में आपके अच्छे अच्छे marks आए तो फटाफट से guys come to this platform जहाँ पे आपके सारे educator एक personalized तरीके से आपको रेडी है आपको हेल्प करने के लिए. सो यू हैव टू गो टू द प्लस ऑप्शन एंड अनअकैडमी 11th एंड 12th यू हैव टू चूज एंड देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, नॉमिनल सी कॉस्ट टू गेट दिस होल सब्सक्रिप्शन. कॉस्ट है वन ईयर की 13,500, फॉर द 24 मंथ इट इज 22,500, फॉर द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन गाइस द टोटल कॉस्ट इज 9,000. एक्चुअल कॉस्ट इनकी ज्यादा है, बट अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको इस कॉस्ट में आपको ये एक्सेस मिल जाता है. ठीक है, व्हाट इज अ कोड, कोड इज CHLIVE, चंडीगढ़ लाइव इज माय कोड. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड एंड सब्सक्राइब इट राइट नाउ. मजा आ जाएगा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री. अच्छा, सब्सक्रिप्शन में आपको सबकी क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश एवरी सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू गेट. तो देर किस बात की, आज ही हम एनरोल करेंगे क्योंकि रिवीजन कोर्सेज में हमने देर नहीं करनी. ठीक है, देर किस बात की, आज ही करने वाले हैं, कल आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी रिवीजन सेशन में. वो है आपकी 3:15 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है, तो फटाफट से आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे. मैम व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास लाइव, बेटा नेक्स्ट क्लास जो आपकी लाइव होगी वो होगी आपकी कल, KVBY का सेशन होने वाला है. बाकी मिल रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अभी डाउनलोड कर लो, तो वहां पे भी फ्री ऑफ क्लासेस कंडक्ट होती है स्पेशल क्लासेस, तो उसको भी डाउनलोड करो. मैम पहचानो मुझे, अभिषेक जी पहचान लिया आपको. ओके, हाय एवरीबॉडी. चलो चलो चलो, एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव देन यू कैन आस्क मी. व्हेन इज द नेक्स्ट लाइव क्विज हेल्ड इन द यूट्यूब. नेक्स्ट लाइव क्विज होगा आपका कब, आपका होगा थर्सडे को, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बायोलॉजी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ गेम लाइव. ठीक है, अदरवाइज आ जाओ प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वहां पे तो डेली क्विजेस होते ही. एनी अदर डाउट यू गाइस हैव. मैम से माय नेम टेक AK. ओके, हैप्पी नाउ, आई टुक योर नेम, हैप्पी नाउ. चलो दादो, एनी अदर डाउट यू गाइस हैव. चलो ठीक है, सो होप एवरीबडी लव दिस. चलो पहले फटाफट से सारे के सारे बच्चे अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ यू आर गोइंग टू शेयर दीज अमेजिंग फैक्ट्स एंड मजा आ जाएगा. एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क देम आल्सो, कॉल देम एंड आस्क देम, अरे यार डू यू नो द एनिमल हु कैन नॉट फार्ट. सो दीज आर द थिंग्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन बायोलॉजी. यू बीइंग अ बायोलॉजिस्ट एटलीस्ट यू शुड डू 3 हार्ट पेबल्स गिफ्ट करना, वेरी इंटरेस्टिंग. Soon I'm going to bring such sessions in front of you.
चलो गाइज लेट्स वाइंड अप द सेशन ओवर हियर. होप यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल 11th एंड 12th. लाइक एंड शेयर आपको रुकनी नहीं चाहिए. एंड जब भी हमारी क्लासेस होती है जो भी नोट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाते हैं. दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग सेशन सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा. तो फटाफट से लाइक कर दिया. यस थैंक यू सो मच गाइज. चलो ओके सो लेट्स क्रैक इट. 11th 12th नीट जेई 9th एंड 10th. Do use my referral code CHLIVE for the subscription. Take care everyone. Thank you so much. Going to meet you guys tomorrow on special as well as on an Unacademy learning application. Take care. Thank you so much guys. Bye bye.